देखिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या होता है। जब हमको किसी गैल्वेनोमीटर से क्या हमको पाना है, आमीटर, क्या पाना है, आमीटर। आमीटर मतलब क्या हो गया, आमीटर मतलब आमीटर मतलब क्या हो गया, जिससे हम लोग क्या मापते हैं, धारा मापते हैं, ठीक है, तो उसको आमीटर कहते हैं। अब यहाँ एक चीज आप समझिए कि किसी गैल्वेनोमीटर से हम कैसे आमीटर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब किसी भी गैल्वेनोमीटर से हम आमीटर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग किसी गैल्वेनोमीटर को, मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है ना, जब हम इस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर के समांतर काफी लो रेसिस्टेंस वाला, क्या चीज, काफी लो रेसिस्टेंस वाला एक तार जोड़ देंगे, क्या करेंगे, काफी लो रेसिस्टेंस वाला तार जोड़ देंगे, तो उस कंडीशन में और इसका जो पठन होगा, मतलब पठन मतलब क्या हो गया, इसमें जो पाठ्यांक का अंकन जो होता है उसको हम लोग किसमें डॉटेड कर देंगे, एम्पियर में, किसमें डॉटेड कर देंगे, एम्पियर में, तो वह क्या कहलाएगा, यह अब क्या बन जाएगा आपका, आमीटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आमीटर। जब गैल्वेनोमीटर के समांतर हम लोग एक लो रेसिस्टेंस को, क्या चीज, लो रेसिस्टेंस मतलब निम्न प्रतिरोध को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और देखिए इसके समांतर में जुड़ा हुआ है, जब इसके समांतर हम लोग जोड़ देंगे और इसका पाठ्यांक हम लोग किसमें अंकित कर देंगे, एम्पियर में अंकित कर देंगे, तो उस कंडीशन में यह क्या बन जाएगा, आमीटर बन जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर से क्या बन गया आपका, आमीटर बन गया। समझ में आ गया बात, चलिए इसी बात को लिखना है जो हम बोले, उसी बात को लिखना, जल्दी लिखिए, नहीं पहले लिखिए, जब किसी गैल्वेनोमीटर के साथ, जब किसी गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर में एक निम्न प्रतिरोध को, साथ समांतर में एक निम्न प्रतिरोध को, समांतर में एक निम्न प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, और उसके स्केल को एम्पियर में अंकित कर दिया जाता है, और उसके स्केल को एम्पियर मतलब AMPER, एम्पियर में अंकित कर दिया जाता है, एम्पियर में अंकित कर दिया जाता है, तब आमीटर प्राप्त होता है। तब आमीटर प्राप्त होता है, लिखिए। अच्छा, इस आमीटर को क्या किए हैं बताइए तो, इस गैल्वेनोमीटर को क्या किए हम लोग, संट लगाए हैं, ये संट ही है ना, मतलब एक टाइप से संट है, कल संट पढ़ाए थे ना, संट क्या होता है, एक सुरक्षा यंत्र होता है, क्या होता है, संट एक सुरक्षा यंत्र होता है, जो कि गैल्वेनोमीटर में उच्च धारा से होने वाली हानि से क्या करता है, उसको बचाता है, कैसे करते हैं, जब उसमें हम लोग एक लो रेसिस्टेंस को समांतर में जोड़ देते हैं, तो इससे मान लीजिए धारा कितनी गई, NI धारा गई, तो इससे कौन सी धारा जाएगी, I, जो उसकी सीमा में हो, किसकी सीमा में हो, गैल्वेनोमीटर की सीमा में, और शेष बची धारा किस होकर निकल जाए, ये लो रेसिस्टेंस से होकर के निकल जाए, तो यहाँ पर ये क्या क्या कहलाता है, संट कहलाता है। तो संट किया हुआ, यहाँ संटे में किया गैल्वेनोमीटर का, संट किया हुआ गैल्वेनोमीटर क्या कहलाता है, आमीटर कहलाता है, ठीक है, संट किया हुआ गैल्वेनोमीटर किसकी तरफ बिहेव करता है, आमीटर की तरफ, लिखिए, अतः मीटर लिख लीजिए, अतः संट किया हुआ गैल्वेनोमीटर, अतः संट किया हुआ गैल्वेनोमीटर आमीटर की तरह व्यवहार करता है, संट किया हुआ आमीटर क्या कहलाता है, किसकी तरह बिहेव करता है, मान लीजिए यहां से देखिए, अब हम इसको देखते हैं, अब इसका इक्वेशन देखते हैं, अगर यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा गैल्वेनोमीटर का, आमीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, निम्न प्रतिरोध होता है, इसको याद रखिएगा,
ठीक है, मान लीजिए इससे कितना करंट जा रहा, आई करंट जा रहा, तो आई करंट जा रहा इससे कितना करंट जाएगा, आईजी गैल्वेनोमीटर से, और तब इससे कितना करंट जाएगा बताइए तो, आई माइनस आईजी यही जाएगा, इसमें से अगर यदि आई में आई करंट है उसमें से आईजी किसमें चल गया गैल्वेनोमीटर में, तो इसमें कितना करंट बचेगा, आई माइनस आईजी, और इसका रेसिस्टेंस क्या है आर, और दोनों का क्या होगा विभव, समान विभव होगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ा है तो क्या समान होता है, विभव समान होता है, तो उस कंडीशन से हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहला इसमें लिखिए जी बराबर क्या है, यदि जी बराबर क्या है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, किसका गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, और आर बराबर क्या है, ये आर बराबर लो रेसिस्टेंस, निम्न प्रतिरोध है ना, लो रेसिस्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में निम्न प्रतिरोध, कोई दिक्कत, ये R बराबर क्या हो गया लो रेसिस्टेंस, G बराबर क्या हो गया गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, और IG क्या हो गया गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा, क्या हो गया जी गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा, लिख देंगे गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा। अब एक चीज और बताइए, आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर जिस धारा को, टोटल धारा को नापना है, उनको कितना है, तो जिस धारा को क्या करना है, मापना है ना, यही। अब देखिए, अब यहां समझिए एक बात, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, समान होगा, दोनों का विभव अंतर क्या होगा रे बबुआ, समान होगा, तो यहाँ पर किसका किसका पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, अब G का पोटेंशियल डिफरेंस PD बराबर किसका, R का पोटेंशियल डिफरेंस, R का पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होगा बताइए तो, G का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, G का क्या होगा, G से कौन, R बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर क्या होता है, IR, तो यह पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसका भी है, तो यहाँ पर I G से कितना करंट जा रहा है, IG IG नहीं R बराबर क्यों लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं ना, तो क्या चीज दोनों का सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा मतलब भी सेम है ना, भी अब भी बराबर क्या फॉर्मूला आई आर, तो भी देखिए गैल्वेनोमीटर से कौन सा करंट जा रहा है, आई जी, और इसका रेसिस्टेंस क्या है, जी, कैपिटल जी है ना, लिख दिया ऊपर में, बराबर आर का पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, और आर से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, आई माइनस आई जी इंटू क्या हो जाएगा आर, अब देखिए इसमें से क्या होगा, अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन नहीं आर बराबर निकाल लीजिए, तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा जल्दी बताइए, या आई बराबर निकालते हैं, तो यहां पर क्या होगा जल्दी से बोलिए, यहाँ क्या आप करेंगे, इसमें से आई कॉमन ले सकते हैं, आई जी कॉमन ले सकते हैं ना, आई जी कैसे सर बराबर जी, इसमें से अगर यदि आई जी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, आई बाय आई जी बचेगा, माइनस वन बचेगा, कॉमन लेना है, कॉमन लेने बताए थे ना, जैसे बी से हमको बी में से सी कॉमन लेना है तो कैसे लेंगे कॉमन, तो सी से भाग और सी से गुना कर देंगे, तो सी कॉमन लेंगे तो बी बटा सी नहीं बचेगा, यही चीज ऐसे ही कॉमन ले है, यहाँ पर आई में से आई जी तो है नहीं, तो कैसे लेंगे कॉमन, गुना भाग कर दिए, तो आई जी आ गया कॉमन, और नीचे में आई जी रह गया, इसमें आई जी था तो यहाँ वन हो गया, हो जाएगा ना, और यहाँ पर आर, अब आई जी कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पर बताइए क्या होगा, आर बराबर आर बराबर क्या होगा, जी बराबर आर बराबर क्या होगा, जी आर बराबर जी बटा आई आई बाय जी माइनस, यानी तो हम लोग इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी फॉर्मूला चलेगा, या अब इसको अगर हम लोग पूरी तरीके से हल कर लें तो यहाँ नहीं नहीं यहीं से हम लोग फॉर्मूला एक निकाल सकते हैं, आर बराबर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा आई जी बटा आई जी इंटू जी बटा आई माइनस आई जी, कौन सा आसान फॉर्मूला है, ये वाला है वो वाला, वही आसान है, वही आसान है ना, तो इसको हटा देते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं, स्वयं उसमें से भी कॉमन लेंगे तो वही आ जाएगा,
ठीक है, इसको हटा ही देते हैं। यही यही फॉर्मूला आसान है आपके लिए, तो आप इसी फॉर्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा घुमा दिए, चलिए कोई बात नहीं है, सीख तो गए घुमाने के लिए, कॉमन भी लेना यहाँ सीख गए आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ तो आपका ये फॉर्मूला निकल के चले आया, रेसिस्टेंस निकालने का मतलब इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, ये निकालने का मेरा फॉर्मूला आ गया, यहाँ से आप लोग उसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। और देखिए, जब हमको किसी सर्किट में हमको अब धारा मापना है, तो धारा मापने के लिए क्या होना चाहिए, संपूर्ण धारा को किससे गुजरना चाहिए, एमीटर से। इसीलिए एमीटर को हम लोग किसमें जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, किसमें जोड़ते हैं, सीरीज में, मतलब श्रेणी क्रम में। धारा को मापने के लिए एमीटर क्या, ये तो अंकित किया हुआ है किसमें, एम्पियर में, ये तो इसके, लेकिन मापना किससे, एमीटर से। तो मतलब संपूर्ण धारा को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, एमीटर का। और एमीटर को, एमीटर से अगर यदि एमीटर को यहाँ लगा दें या यहाँ लगा दें, संपूर्ण धारा माप सकेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सीरीज में जोड़ देते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, जिससे प्रवाहित होने वाली संपूर्ण धारा किससे चली जाती है, उसी के तहत गैल्वेनोमीटर भी सेफ हो गया, सब कुछ। इसीलिए किसका प्रतिरोध, एमीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या लिया जाता है, जीरो लिया जाता है, ताकि सब करंट क्या हो जाए, उससे प्रवाहित हो जाए, तब ना हमको पता चलेगा कितना प्रवाह करंट फ्लो हुआ। इसी बात को लिखा, लिखिए, चूंकि एमीटर का प्रयोग परिपथ से, चूंकि एमीटर का प्रयोग परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा एमीटर का, चूंकि एमीटर का प्रयोग परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा को, प्रवाहित होने वाली धारा को, प्रवाहित होने वाली धारा को मापने में किया जाता है, इसलिए यह जरूरी है कि संपूर्ण धारा एमीटर से गुजरे इसके लिए एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए, और इसलिए उसका प्रतिरोध शून्य रखा जाता है। चलिए अब एक नोट लिख लीजिए नीचे में, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, नोट लिखिएगा, नोट नंबर 1 लिखिए, एमीटर के रेंज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। लिखिए ना एक नंबर में नोट देकर के, एमीटर के रेंज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। पहले लिखिए, दूसरा नोट लिखिए, किसी एमीटर का रेंज उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है।